एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, जैसे कि हर एक कॉमिशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम आज सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन है कि 4 के पावर x प्लस 2 है प्लस 4 के पावर x प्लस 5 है इक्वल टू क्या है 65 है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ पे क्या रहता, अगर सॉरी प्लस है यहाँ पे क्या रहता, अगर मल्टीप्लाई रहता तो बेस को क्या करते सेम रखते और पावर को एड कर देते, नहीं जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे प्लस है। जब प्लस है ना लेकिन बेस सेम है और यहाँ पे प्लस है, पावर क्या है डिफरेंट है, तब पावर हम मतलब कुछ इसका क्या करते हैं सेम करते हैं। सेम कैसे करेंगे, बस ये चीज हमको जानना है। तो 4 के पावर क्या है यहाँ पे x प्लस 2 है, क्लियर, प्लस फिर 4 के पावर क्या है x प्लस 5 है इक्वल टू में क्या है 65। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, जैसे 4 के पावर अगर x प्लस 2 है प्लस इसका भी हम अगर पावर क्या कर सकते हैं ये 2 कर देंगे, तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 5 हो जाएगा, बस इसको ब्रैकेट में करेंगे और प्लस 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और इसको भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं इंप्लाइड। अब यहाँ पे क्या है ना प्लस में ना, तो दोनों सेम हो गए, 4 के पावर x प्लस 2 प्लस फिर 4 के पावर x प्लस 2 और ब्रैकेट में प्लस क्या है 3 है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, जैसे एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट का, जैसे कि अगर x प्लस x के पावर m इंटू x के पावर n इक्वल टू x के पावर m प्लस n, क्लियर। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, यानी मल्टीप्लाई तो प्लस डिवाइड तो माइनस। अब यहाँ पे x प्लस x के पावर m प्लस n है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है x के पावर m इंटू x के पावर n, यही करते हैं ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या है मल्टीप्लाई, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 के पावर x प्लस 2 और इंटू 4 के पावर 3, इसको हम फिर सॉल्व करेंगे ना, इसको फिर अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर इतना ही आएगा, यानी कितना आएगा दोनों बेस में से अगर हम एक बेस ले लिए और x प्लस 2 और प्लस ये 3 आएगा, क्योंकि दो इसका पावर 3 और इसका पावर x प्लस 2 है, तो पावर हम जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे अलग अलग लिख देंगे, अलग लिखने का मतलब हुआ जैसे कि कर देना है, यानी 4 के पावर x प्लस 2 प्लस, अब यहां पे हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 4 के पावर x प्लस 2 और इंटू 4 के पावर 3 इक्वल टू 65। अब यहां पे क्या करना, अभी फॉर्मूला जो बताया है अलग अलग दोनों हो गए, अब इसमें ये 4 के पावर x प्लस 2 और इसमें है 4 के पावर x प्लस 2 दोनों सेम आ गया, तो हम इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं, इसमें 4 के पावर x प्लस 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बच गया, इसके जगह पर बच गया 1 प्लस, ये तो बाहर है ना, इसमें क्या बच गया 4 के पावर 3 बच गया यहाँ पे और इक्वल टू 65, क्लियर। अब हम क्या करेंगे ना, इक्वल टू यानी इंप्लाइड एट 4 के पावर x प्लस 2 4 के पावर x प्लस 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस 4 के पावर 3, यानी 4 के पावर 3 क्या है, यानी 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 के पावर 3 का मतलब 4 को 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 बार गुणा करेंगे तो इसका क्यू क्या होता है, ऐसे क्यू हमको याद रखना लिख देते हैं, तो क्यू क्या होता है 64 होता है, चार बार मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना 64 हो जाएगा, यहां पे क्या लिखेंगे 64 लिखेंगे, इक्वल टू में क्या है 65 है, फिर 4 के पावर x प्लस 2 और यहां पे 64 है आएगा ये 65 कितना हो गया 65 इक्वल टू 65। अब ये जो 65 है इसके मल्टीप्लाई में है, अगर ये हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाएगा फिर इंप्लाइड इट, यानी या अब हम क्या करेंगे जो मल्टीप्लाई में है इसको हम इधर कर देते हैं, यानी 4 के पावर x प्लस 2 इक्वल टू 65 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड आएगा, क्या आएगा डिवाइड आएगा, डिवाइड में जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे दोनों को कटा देंगे ना, कट जाएगा ये क्या बच जाएगा 1 बच गया मेरा। अब यहाँ पे 4 के पावर x प्लस 2 इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज समझना है, जिससे कि अब 4 है तो काश से यहाँ पे अगर 4 रहता तो इसका पावर कुछ भी रहता, तो 4 से 4 कंपेयर करते हैं x प्लस 2 इक्वल टू उतना रहता, लेकिन यहाँ पे 1 है तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है, एक सुनेक में एक और फॉर्मूला आएगा उसके बाद से, बहुत सारा फॉर्मूला ऐसे में है, अगर फॉर्मूला हम इसका यूज करते हैं x प्लस x के पावर m डिवाइडेड x का पावर m इक्वल टू x का पावर a माइनस m, m माइनस n m हो गया फिर x के पावर 0 हो जाएगा,
अब जब x के पावर 0 हो गया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। यानी अगर हम कहीं 1 है तो अगर हम किस भी कर सकते हैं यहाँ पे, 2 के पावर भी 0 कर सकते हैं, या 3 के पावर भी 0 कर सकते हैं, या 4 के पावर भी 0 कर सकते हैं, 5 के पावर 0 कर सकते हैं, तो ये हम पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं 0। यानी इस हमें 4 है ना, तो काश अगर यहाँ पे भी हम लोग 4 ले लेते, यहाँ पे अगर हम 4 ले लेते हैं ठीक है, और यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो मेरा अगर 4 के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, 1 था, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को कंपेयर करेंगे, 4 से 4 कंपेयर हो गया यानी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यानी मेरा आंसर जो है ना, आंसर आएगा इसका x इक्वल टू प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस 2। यानी ये मेरा पता है, एक मिनट आंसर आ गया, यानी कुछ किया नहीं है इसमें, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना है, क्वेश्चन है बन जाएगा।